राहुल गांधी अपने बयानों से खुद का ही मजाक उड़वाते हैं और फिर लगातार रसातल में जा रही उनकी पार्टी कांग्रेस को आम लोगों से शिकायत होती है कि उनके नेता को पप्पू से लेकर न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। विवादों की यात्रा बन चुकी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने तमाम ऐसे मौके दिए जिस पर सिर्फ हंसी आती है। कभी वो बहकी बहकी बातें करते और कभी ऐसे रिएक्शंस देते कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। ताजा मामले में राहुल गांधी ने खुद को मार देने का बयान देते हुए उसमें शैव धर्म यानी शिव तत्व की व्याख्यान को समझाया। हालांकि ये समझ में किसी के नहीं आई, उल्टा लोगों ने उन पर मीम बनाना शुरू कर दिया। अब उनके इस बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मौज ली। इस बयान को लेकर ओवैसी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी मर गया है तो फिर ये जो भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहा है वो क्या जिन है? गौरतलब है कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें अब अपनी छवि की कोई चिंता नहीं क्योंकि उन्होंने उस राहुल गांधी को मार डाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उन्हें मार दिया, वो वहाँ नहीं है, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है, अब वह जा चुका है। इसी पर ओवैसी राहुल गांधी के मजे ले रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि राहुल गांधी को इतनी ठंड के मौसम में भी सर्दी नहीं लगती। इस दौरान ओवैसी ने यह भी कहा कि 50 साल की उम्र में सर्दी से डर नहीं लगता, जबकि दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने इस दौरान ये भी कहा कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे। वहीं कांग्रेस ने ओवैसी के राहुल गांधी पर इस हमले के बाद कहा कि ओवैसी BJP की बी टीम है, तभी वो राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 150 दिनों के बाद ये यात्रा कश्मीर में 30 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई। इस यात्रा के अंत में राहुल गांधी कश्मीर में ध्वज फहराकर यात्रा को समाप्त करेंगे।